लाइव में आपका स्वागत करता हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। काला हिरन शिकार मामले में सलमान की याचिका पर सुनवाई टली। सपना चौधरी के गाने पर पाकिस्तानी कैदी की हुई मौत। कूड़े के ढेर में मिली दो दिन की मासूम, मुस्लिम परिवार अपनाने के लिए आया आगे। अब खबरें विस्तार से। काला हिरन शिकार मामले में सलमान की याचिका पर सुनवाई टली। हैदराबाद बहुचर्चित काला हिरन शिकार के मामले में सीजीएम ग्रामीण कोर्ट के आदेश के खिलाफ सलमान खान की ओर से पेश अपील पर सुनवाई 3 अप्रैल तक टल गई है। जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर ग्रामीण चंद्र कुमार सोनगरा की अदालत में 3 अपील सूचीबद्ध थी। सपना चौधरी के गाने की वजह से हुई पाकिस्तान कैदी की हत्या। जयपुर में अक्सर देखा जाता है कि हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी के शो में लोग बेकाबू हो जाते हैं, भीड़ बेकाबू हो जाती है, यहाँ तक कि पुलिस कर्मी के हाथ पांव भी फूल जाते हैं। सूत्रों की माने तो जयपुर सेंट्रल जेल में बैरक नंबर 10 के टीवी हॉल में कुछ कैदी सपना चौधरी का गाना देख रहे थे। इस दौरान पाकिस्तानी कैदी शकरउल्लाह ने अन्य कैदियों को गाने की आवाज कम करने को कहा। यह देख कर कैदियों ने और आवाज बढ़ा दी, लेकिन शकरउल्लाह को गुस्सा आया और कैदियों के साथ हाथापाई हुई और शकरउल्लाह के सिर में चोट लग जाने से जगह पर ही मौत हो गई। लश्कर ए तैयबा का आतंकी था शकरउल्लाह। कूड़े के ढेर में मिली दो दिन की मासूम, मुस्लिम परिवार अपनाने के लिए आया आगे। ये घटना नई दिल्ली गाजियाबाद की है, जहां मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां कूड़े के ढेर से एक मासूम बच्ची बरामद हुई है। कुछ लोगों ने बच्ची को देखा और उसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने अस्पताल में बच्ची को पहुंचाया और तभी मुरादनगर इलाके के रहने वाले निजाम चौधरी के परिवार की नजर पड़ी और वह बच्ची को अपने घर ले गए। खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।